यार फाइनली देखो, अब गाड़ी की जो ब्लैक पीपीएफ है ना, उसको उतरवाने के लिए मैं गाड़ी को वापस वहीं पे ले आया जहाँ पे इस पे ब्लैक पीपीएफ चढ़वाई थी, द डिटेलिंग हीरोज फरीदाबाद। 3 महीने मैंने रखी होगी, अब बस शौक उतर गया, वीडियोस वगैरह बना ली, मन था वो भर गया। अब मेरे को गाड़ी मेरे ओरिजिनल यानी वाइट कलर में वापस लेकर आनी है, वो अब देखते जाओ। देखो अभी काम तो शुरू हो गया उतारने का, कितने 4 महीने पहले मैंने करवाई थी, अब अच्छी भी लगी, शौक भी पूरा कर लिया, वीडियोस भी बना ली, तो अब बस उतरवा देता हूँ। इसमें क्या है ना, जैसे कलर चेंज हो गया तो थोड़ी सी ना मेंटल पीस नहीं रहती, अब वो मेरे को चाहिए। मान लो मैं कहीं चला गया कि पुलिस वाले कोई देख रहे हैं, तो अब क्या होता है, नज़रें बचाता हूँ कि कहीं रुकवा ना लें। वैसे तो कलर पे ध्यान नहीं जाता, ब्लैक काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ये रहता है यार, मान लो कोई और ऑफेंस हो गया, रेड लाइट गलती से जंप हो गई, फिर कहेंगे लाओ भी कलर RC पूरी डिटेल में चेक कर ली, तो फिर ये रहता है यार, कहीं रुकवा ना ले गाड़ी, फिर 10,000 का चलान कटेगा। ठीक है, तो एक वो दिक्कत है, दूसरा ये है मेंटेनेंस। भाई जब तक साफ खड़ी है तब तक बहुत ही बढ़िया लग रही है। एक ये पैनल देखो और एक ये देखो, ये इन्होंने अभी साफ करा है उतारने के लिए, तो जब तक साफ है तब तक तो बहुत बढ़िया। फिर मेरी गाड़ी मोस्टली ना बाहर खड़ी रहती है तो बहुत गंदी होगी। अब ये पार्ट पेंटेड है, अब डर ये है कि जो पार्ट बाहर से पेंट हुआ है, चाहे फिर सर्विस सेंटर से हो जाओ, उसके चिप ऑफ होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पेंट लेके उतर गया, हो सकता है कि क्लियर कोट लेके उतर जाए, शाइन जो ऊपर की होती है, या फिर कहीं कहीं से हल्की हल्की चिप उतर गई, तो वो आप देखना एक बार उस साइड से उतार रहे, वो मैं दिखाता हूँ। देखो ये वाला तो उतार दिया, ये तो ओरिजिनल है, इस पर तो कोई डर होएगा नहीं, इसकी चिपिंग नहीं होएगी। बाकी जो पेंटेड आगे उसका थोड़ा सा डर है, अभी बोनट पे हो रहा है भाई काम। लॉक खोल रहे हैं पहले सारे, और इस साइड इस डोर का उतर गया, गम रिमूवर से जैसे कहीं कहीं पे गम रह गया तो उसको उतार रहे हैं, जैसे यहाँ रह गया था थोड़ा, पीछे भी है उसको उतार देंगे, सारे को एक साथ ले लेंगे। सही है, वाइट इज बैक, किनारे किनारे पेंटेड है भाई इसकी। आ रहा है कितना आया? हाँ तो थोड़ा देख के, मारना अब आसानी से उतर जाए। हो गया भाई आधा उतर गया, नहीं इनको बता रहा हूँ वीडियो में, कोई पेंट वेंट नहीं उतरा क्योंकि ये तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल वैसे भी नहीं उतरेगा पीपीएफ के साथ। एक तो ये होता है डंकी क्वालिटी के, अगर पीपीएफ कराओगे तो पेंट को कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल को तो फिर वैसे भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल सस्ती वाली मत करवाना, इसका खर्चा आया था 50-55 हज़ार के आसपास, द डिटेलिंग हीरोज फरीदाबाद में, वहाँ पे आ सकते हो अगर आपको करानी हो तो। एक तो ना इसको प्रॉपर वॉशिंग की ज़रूरत है, बहुत बहुत कम तो रहेगा, मेरे को 3M के शैम्पू से घर पे धोनी पड़ेगी एक बारी अच्छे से, डिटेलिंग अंदर बाहर इंटीरियर एक्सटीरियर दरवाजे पूरा हर चीज़ करनी पड़ेगी। एक बार तो मैंने सोचा था इसको वाइट करा के ना वापस फिर मैं एलॉयज ब्लैक करा दूँ, लेकिन एलॉयज ब्लैक कराने का ना फिर एक नुकसान ये होता है, कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी टच हुई अलॉय जैसे बाहर निकले हुए तो टच हो जाएंगे किसी गड्ढे को या ईंट पत्थर को, पाने से नट खोल रहा हूँ तो लग जाएंगे, तो वो फिर वाइट वाइट ना, फिर वो सिल्वर कलर जो बेस है वो अलग से दिखेगा, फिर वो भद्दा लगता है, फिर उसको करेक्शन कराते रहो, तो ये दिक्कत रहती है कलर चेंज में। और फिर वाइट के साथ मुझे तो सिल्वर सही लगता है, अदरवाइज़ मैं करा भी लेता, करेक्शन भी करा लेता, लेकिन वाइट के साथ मुझे सिल्वर ठीक लगता है। और पुलिस वालों के नहीं होते थोड़े थोड़े वाइट एंड ब्लैक डुअल टोन, सही तो लग रही है। ग्रिल भी मैंने एक बार सोचा था, जो इसकी ओरिजिनल आती है ना उसी को पियानो ब्लैक में जैसे हाइड्रो डिप करा दूँ, लेकिन फिर लगा कि ये वाली जो लाइट्स लगी है ना ये उसके साथ फिट नहीं बैठेंगी क्योंकि उसमें जगह नहीं है बिल्कुल भी, तो ग्रिल तो यही रहेगी। अब देखो ये जो फेंडर का उतरा ना ये पूरा पेंटेड है, अब इसमें ये देखना कि क्लियर कोट ही उतरेगा कि पेंट चिप ऑफ होएगा थोड़ा बहुत, बस वो देखना है। तो ये प्रिकॉशंस तो सारी रख रहे हैं कि धीरे धीरे इसको उतार रहे हैं हीट गन के साथ, बट देखना थोड़ा बहुत तो लेके उतरेगा ही उतरेगा क्योंकि पेंटेड है ना भाई, अभी तक तो उतरा उसमें तो आया नहीं पेंट, अब देखते हैं, अभी तक तो नहीं दिख रहा उतरते हुए। आया तो नहीं भाई पेंट अभी तक, तो थोड़े थोड़े इसके उतरने के निशान है, वो तो हो जाएगा, तो ठीक हो रखा है पेंट। अब लास्ट में पॉलिशिंग कर रहे हैं ताकि थोड़ा पेंट पे जो रफनेस थी वो चली जाए और शाइन वापस आ जाए। अब देखो गाड़ी को वॉशिंग के लिए लेके जा रहे हैं, अब प्लेन वाइट कलर में मुझे गाड़ी थोड़ी सी बोरिंग लगती है कि सिंपल हो गई अब तो बिल्कुल ही, ब्लैक में तो क्या लुक निकल कर आई थी गाड़ी की, सेम गाड़ी कलर चेंज होते उसके एस्थेटिक्स चेंज हो जाते हैं, तो आप लोग मुझे बताना वाइट सही है कि ब्लैक में ही सही थी, तो ये कमेंट ज़रूर करना।
और सही बता रहा हूँ, पीपीएफ करने में भी उतना ही टाइम लगा और उतारने में भी उतना ही लगा। 11:30 बजे सुबह गाड़ी लेकर आया था और मैं शाम को निकला हूँ 8 बजे गाड़ी लेकर, जिसमें लगातार गाड़ी पे काम कर रहे थे, बैठे नहीं 2 मिनट भी। और शुक्र मनाओ गाड़ी का एक भी पैनल नहीं उतारना पड़ा, बिना पैनल उतारे ही पीपीएफ आराम से इन्होंने अपनी स्किल्स के हिसाब से पीपीएफ उतार दी। तो उतारने में भी भाई उतनी मेहनत लगती है, 7-8 घंटे इनको लग गए। एक और चीज़, अगर आप पीपीएफ चढ़वाने के बाद उतरवाने जाते हो तो उतरवाने के भी पैसे लगते हैं। अगर आप पूरी गाड़ी की पीपीएफ उतरवा रहे हो तो उतरवाने के भी लगते हैं पैसे, ठीक है। बहुत मेहनत लगी बिना पैनल्स खोले, क्योंकि चढ़ाने में तो पैनल्स खोलने ही पड़ेंगे, अंदर टक इन करते हैं, खासकर जब कलर चेंज होता है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। ओरिजिनल हो तो तसल्ली मन को ज़्यादा रहती है, और रीजंस मैं सारे बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। आप लोग मुझे एक कमेंट ज़रूर कर देना कि गाड़ी वाइट में अब ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि ओरिजिनल इसका कलर है। आरसी में इलीगल है, मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कलर चेंज कराना इलीगल है, पीपीएफ इलीगल नहीं है, कलर चेंज इलीगल है, ठीक है। मुझे तो अब सुकून है, अपना वापस वही वाला कलर आ गया, ठीक है। आप लोग मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच।